हेलो मेरे प्यारे बंधु सिसिस्तानी, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। सो गाइस, राइट नाउ आई एम एट समवनस होम एंड एक्चुअली इट्स अ एयरबीएनबी स्टे इन कोलकाता। सो क्या हुआ ना कि वी हैव सम प्लान, लाइक वी आर शूटिंग, करेंटली शूटिंग समथिंग। शूट के लिए हम लोग इधर आए, वी हायर्ड दिस एयरबीएनबी। इट्स अ ब्यूटीफुल होम। ये बैल्कनी है, राइट नाउ आई एम सिटिंग इन दिस स्विंग। इट्स बेसिकली इन सेक्टर 2 एरिया ऑफ सॉल्ट लेक। इधर एक घर है, इट्स ऑलमोस्ट 3-स्टोर बिल्डिंग और हम लोग सेकेंड फ्लोर में हैं। एंड हियर वी हैव हायर्ड इट फॉर जस्ट अ डे। सो ये रहा बैल्कनी से व्यू, घर जैसा फील है, घर ही एक्चुअली। एंड सो आई थॉट कि चलो मेरा जो वीडियो शूट हो रहा है तो वो हो तो हो रहा है, पर इफ़ यू गाइस आर कमिंग टू कोलकाता और लाइक इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ स्टेकेशन इन कोलकाता, देन यू कैन ऑलवेज कम हियर। मैं आप लोगों को फटाफट दिखा देती हूँ कैसा है ये घर, और होटल छोड़ के क्यों आप लोग एयरबीएनबी चूज़ करोगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द होम रूम, रूम टू। तो शुरू करती हूँ बैल्कनी से। देखो इधर एक स्विंग है और वो रहा मेरा हस्बैंड, कैमरा ऑन की हूँ तो वो अंदर चला गया भाग के। तो बैल्कनी कितना लंबा है, सी ओ ऊपर देखो, देयर आर सो मेनी स्मॉल स्मॉल फ्लावर वास, नॉट वास, हैंगिंग वास, यस। एंड अभी देखो बैल्कनी कितनी लंबी है। और उधर जाओ तो देखो वो रही हम लोग की रूम, वो रूम के साथ भी एक बैल्कनी है। एंड इस बैल्कनी में ना एक छोटा सा चेयर भी है तो आप आराम करके चाय भी पी सकते हो। सो आई लव द बैल्कनी। एंड नाउ लेट्स गो इनसाइड। सो ये रहा इधर एक सोफा सेट है जहाँ पर आप लोग बैठ सकते हो, एंड एक सुंदर सा टेबल भी है। एंड इस कॉर्नर में और एक टेबल है, दोनों चेयर है। एंड द कर्टेन्स आर ऑल्सो सो ब्यूटीफुल, सी द कलर कॉम्बिनेशन आई लव, लाइक इतना आर्टिस्टिक फील है ना इस घर में, कितने सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आर देयर। द लैम्प पोस्ट इज ऑल्सो सो ब्यूटीफुल, लाइक बहुत ही आर्टिस्टिक घर है ये। और इतना धूप आ रहा है ना, लाइक इस एरिया में देखो आप लोग, लाइक सी इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इस सेक्शन में एक प्लांट है, ब्यूटीफुल कॉर्नर्स, एक बहुत ही एंटिक स्टाइल की घड़ी। अच्छा लगता है ना आप लोगों को भी ऐसा लाइक घड़ी का आवाज़ सुन के। और इधर रही एक विंडो, विंडो अभी फिलहाल बंद है क्योंकि बहुत विंड है। और अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ। इधर भी एक ऐसा लाइक छोटे छोटे सोफीज एंड ऑल ये सब है। माँ दुर्गा इज हेयर बिकॉज इट्स कोलकाता। अभी आती हूँ इस कॉर्नर में, देखो पीछे एक सुंदर सा पेंटिंग है, पेंटिंग भी नहीं वॉल हैंगिंग टाइप की है। और इधर एक बैठने की जगह है। सो हियर इट गोज, लाइक आप इधर आके, लाइक इफ़ यू डोंट फील लाइक सीटिंग ऑन द काउच ऑन द सोफा, यू कैन सीट हियर, यू कैन स्लीप हियर। एंड फिर है वो सेक्शन, उधर का एक सेक्शन, और इधर है ये सेक्शन जो मैंने ऑलरेडी दिखाया, सी कितना सुंदर है ना घर, लाइक आई एम लाइक कितना परफेक्टली सजाया है लोग ये घर को, कि आप लोग को आके इट गिव्स यू सच ए गुड फील, इट्स सो कलरफुल एंड इतना धूप और हवा भी आ रहा है, सो इट्स रियली गुड, लाइक यू फील लाइक काश हमारा भी एक ऐसा घर हो, लाइक इट इज़ लाइक अ परफेक्ट आर्टिस्टिक एंड ड्रीम होम। पर चलो वो घर कभी होगा तो होगा, हम लोग का अपना होगा तो होगा।
इंशाल्लाह विश करती हूँ कभी हो, आप लोग भी दुआ करो कि मैं इतना सक्सेसफुल होगी कभी हो जाए। पर अभी उससे इमोशनल बातें छोड़ के जाते हैं उस सेक्शन पे। सो ये रहा मेन डोर जहाँ से हम लोग आए। देयर इज सम बुक्स एंड अ फ्लावर वास। ओ लेट मी टेक यू क्विकली दिस साइड। इधर ना दे हैव केप चप्पल्स ऑफ मेनी साइज। सी इवन आई एम ऑल्सो वेयरिंग वन फ्रॉम हियर। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू आर मिसिंग, यू हैव फॉरगॉट टू ब्रिंग योर चप्पल, यू कैन टेक फ्रॉम हियर। एंड फिर जो मैं दिखा रही थी फ्लावर वास, एक वार्डरोब है, इधर भी बैठने का सीट है, लो लाइंग टेबल का देखो। और इधर माइक्रोवेन है, फ्रिज है, फ्रिज माइक्रोवेन एंड देन ग्लासेस। ये साइड ऐसे हम लोगों का है, टोस्टर है, चाय की कप है, हीटर है, चाय भी है। सो लाइक क्या नहीं है। एंड देन देयर अगेन गोज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, द कलरफुल कर्टेंस। और इधर एक पार्टीशन है और उस पार्टीशन के उस साइड है आप लोगों का जो एक्वा गार्ड होता है, और इधर हम लोगों का इंडक्शन ओवन एंड वाटर बोतल एंड ऑल द चम्मच एंड ऑल द स्टफ्स। सी एवरीथिंग इज देयर, सीजर, एवरीथिंग, लाइक यू कैन कुक ऑल्सो। तो गाइज मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी, लाइक हम लोग 2,000-3,000 या 4,000 या 5,000 दे के ऐसे बड़े बड़े रिसॉर्ट या होटल बुक करते हैं, पर व्हेन यू गेटिंग सच अ ब्यूटीफुल होम ऑल टू योर सेल्फ, लाइक अ सेकेंड फ्लोर इज ऑल योर्स, एंड देन यू हैव ऑल द फैसिलिटीज, लाइक आइदर यू कैन बुक स्विगी, यू कैन गो आउट टू रेस्टोरेंट और यू कैन कुक योर सेल्फ ऑल्सो। इवन आई हैव रेड इन रिव्यूज कि बहुत सारे लोग इधर मोर देन 2 वीक्स भी रहे हैं। सो इट्स सो ब्यूटिफुल इजेंट इट। तो इतने सारे फैसिलिटीज़ है और इतना अच्छा लोकेशन है, इतना शांत है। सो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट्स जस्ट ओनली फॉर 2.5K। येस, इट्स जस्ट ओनली फॉर 2.5K। इतना कुछ इतना सस्ते में मिल रहा है, लाइक सस्ता एंड टिकाऊ तो हम लोग सुने हैं, बट ये तो लाइक सस्ता ये क्लासिक हो गया, तो मुझे ये सही लगा। तो मैं तो अभी फील कर रही हूँ कि भाई इस घर में मुझे और रहना है। लाइक वी हैव बुक फॉर वन डे बिकॉज ऑफ आर वर्क, बट नाउ आई एम फीलिंग वी शुड हैव बुकड इट फॉर 2-3 डेज। हाँ, पर क्या ही कर सकते हैं। चलो अभी आप लोगों को ले जाती हूँ हम लोगों के रूम पे। तो ये रहा हम लोगों का छोटा सा रूम, छोटा सा नहीं, काफ़ी अच्छा साइज है, स्टैंडर्ड साइज है। लैम्प पोस्ट, बेड एंड देयर गोज अ वार्डरोब, टीवी भी है, अगेन सम ब्यूटीफुल पेंटिंग। इधर मेरी बैग, मेरी रिंग लाइट, ये सब है, कर्टेन है, कर्टेन मूव करोगे तो दूसरे का घर भी दिखेगा। और ये रहा वो बैल्कनी जो मैंने आप लोगों को दिखाया था तब, एंड आई गेस यू गाइस कैन सी कि देयर गोज द अनदर बैल्कनी वेयर आई वाज देयर इन द बिगिनिंग। सी वो रही वो बैल्कनी, हाँ, जब जहाँ से मैं आई थी, व्लॉग शुरू की थी। बेड एकदम पूरा किंग साइज बेड है, बड़ा सा। और उधर भी विंडोज है उस साइड। और ये रहा उन लोगों का जो अलमीरा काइंड ऑफ होते हैं वार्डरोब, ये वार्डरोब है, अंदर सब कुछ है ठंड के लिए। एक साइड है और दूसरा है इस साइड, जहाँ पर हम लोग का सामान वगैरह रखा हुआ है, तो मैं बंद कर देती हूँ। और इधर है विंडोज, और एक विंडोज। और अभी मैं ले चलती हूँ आप लोगों को बाथरूम में। द बाथरूम इज ऑलमोस्ट इन द लाइक अ साइज ऑफ अ बेडरूम। Yeah, so it's huge.
देखो बाथटब है, कुंड तो रहता ही है, डस्टबिन है ऊपर, शावर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हीटर तो है, पर ऊपर देखो क्या है, फैन। यस, तो फैन जो है ना वो मेरे घर में भी है और कोलकाता में बहुत सारे लोगों के घर में ही फैन है, क्योंकि इधर गर्मी रहती है, इट्स वेरी ह्यूमिड, तो हगने के टाइम भी ना हम लोगों को फैन चाहिए होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल डूइंग पॉटी। सो या एनीवेज, अभी दिखाते हूँ इधर क्या क्या है। इधर है बेसिन, ये बाथरूम इतना सुंदर है ना, ये सब मेरे सामान है, उन लोगों का नहीं है, उन लोगों का बस वो ये जो था, ये जो सोप था, हैंड वॉश, वही है, बाकी सब मेरे है। लाइक इन लोगों का बाथरूम ही इतना सुंदर है, यू डोंट फील लाइक कमिंग आउट। सी लाइक स्मॉल डिटेल, देखो कितना डिटेलिंग है, छोटा छोटा करके, लाइक आई टोल्ड यू ना इट्स सच अ आर्टिस्टिक होम, सो इट्स सो ब्यूटीफुल एंड दैट्स मी। सॉरी, एनीवेज गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अब तक अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आई नो कोलकाता की एयरबीएनबी के बारे में, एयरबीएनबी एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा वीडियोस नहीं है, व्लॉग्स नहीं है, तो मैं आप लोग को इतना डिटेल्स में दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ यार प्लीज़ 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 कर देना ये शेयर, ठीक है, और सब्सक्राइब भी अगर अभी तक नहीं किया, लाइक भी और कॉमेंट भी कि कैसा लगा, बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ। सो गाइज, दैट वॉज इट, आई एम फीलिंग रियली टायर्ड, अभी भी बहुत शूट बाकी है, लाइक हम लोग जो शूट कर रहे हैं, जिसके लिए एयरबीएनबी बुक की है वो अभी भी बाकी है, अभी 4 बज गया है एंड माई हस्बैंड इज सिटिंग इन दैट स्विंग सी, और अभी वी हैव ऑर्डर पिज्ज़ा, इधर कुक भी कर सकते हो पर कुकिंग का तो मन नहीं है, एंड इन हाउस रेस्टोरेंट कुछ है नहीं क्योंकि ये तो घर है ना। हम लोग खाएंगे लंच के लिए और फिर से शूट करेंगे और रात को पता नहीं जाएंगे कि नहीं बाहर, सो लेट्स सी। पर मुझे रूम और सर्विस बहुत अच्छा लगा, इधर एक हाउस कीपर रहता है, वो ही आप लोगों को सब दिखा देता है, चाबी वाबी सब दे देते हैं, एंड द लोकेशन इज़ सो सिक्योर, राइट, तो और क्या चाहिए, इतना सुंदर घर, इतना अच्छा लोकेशन, एंड यू फील लाइक यू हैव सच अ ब्यूटीफुल होम, सो आई एम लविंग इट एंड आई हाईली रिकमेंड दिस एयरबीएनबी। कोलकाता में इतना सुंदर एक एयरबीएनबी है, लाइक एक घर है एयरबीएनबी के अंदर, मुझे पता नहीं था एंड आई एम सो ग्लैड आई फाउंड इट। चलो शूट के लिए ये बुक किए थे पर अभी एक व्लॉग भी हो गया एंड आई एम सो हैप्पी टू शो यू गाइज, एंड ऑल्सो अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट, बिकॉज बहुत कुछ आने वाला है वाट एवर तानिया के चैनल में, बहुत नया कुछ आने वाला है, एंड जो लोग मुझे पहले से लाइक एक साल से जानते हो, आप लोग मुझे फूड व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग, कॉमेडी वीडियोज़ करने लाइक करते हुए देखे हो, बट राइट नाउ वी आर डूइंग समथिंग विच विल बी रियली स्पेशल एंड वी विल बी ट्राइंग टू डू इट मोर लाइक एवरी मंथ, एंड इस पे अभी से मेरा हस्बैंड भी हेल्प करेगा, ही विल बी शूटिंग द थिंग फॉर मी, क्योंकि सिंगल हैंडेडली बहुत कुछ तो होता नहीं है हमेशा, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड आई होप ये व्लॉग भी आप लोग को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू कॉमेंट, प्लीज़ लव मी मोर, प्लीज़ सब्सक्राइब और दबा देना बेल, टाटा।